इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर अब बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने फैसला किया है कि वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की जगह ममता बनर्जी की तस्वीर लगेगी। ममता सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी भड़क गई है। बंगाल की जनता अब एक नया बवाल देखने वाली है। पूर्व मुख्य सचिव का विवाद सुलझा भी नहीं है और अब इस तस्वीर पर मोदी और ममता का आमना सामना होने वाला है। बंगाल की ममता सरकार ने फैसला किया है कि तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट में अब पीएम मोदी की जगह सीएम ममता की तस्वीर लगी होगी। मतलब 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के बाद ममता की तस्वीर आएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य सरकार जितनी वैक्सीन की खरीद करेगी उन सभी सर्टिफिकेट्स पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर छपी रहेगी। जबकि कुछ महीने पहले बंगाल चुनाव के दौरान वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पर पीएम मोदी की फोटो को लेकर ममता बनर्जी हर जगह सवाल उठाती रही, चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंच गई थी, लेकिन चुनाव खत्म हो गया तो अब इस सर्टिफिकेट पर ममता बनर्जी को अपनी फोटो चाहिए। इससे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यह आदेश दिया था कि सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की जगह राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीर होगी और अब पश्चिम बंगाल सरकार करने जा रही है। जाहिर है ममता सरकार का ये ऐसा फैसला है जो बीजेपी को पसंद नहीं आने वाला। मतलब ममता और बीजेपी के बीच अब फोटो वाले सर्टिफिकेट पर जंग छिड़ने वाली है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।